नमस्कार साथियों, मेरा नाम है भावेश सिकारो। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है द नर्सिंग वर्ल्ड। आज की हमारी क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन मतलब उच्च रक्तचाप, इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन अगर डिटेल में जाने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हाइपरटेंशन की डेफिनेशन है परसिस्टेंट एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर मोर देन 140/90। क्या है परसिस्टेंट एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर मोर देन 140/90 mmHg। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम इसकी बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसकी दो क्लासिफिकेशन हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अगर हम प्राइमरी हाइपरटेंशन की बात करते हैं तो जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है उसका उसका नाम दूसरा है एसेंशियल हाइपरटेंशन और एक और नाम है इडियोपैथिक हाइपरटेंशन। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। हाइपरटेंशन की डेफिनेशन क्या होगी, परसिस्टेंट एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर मोर देन 140/90। अगर किसी आदमी का लगातार जो ब्लड प्रेशर है वो बना रहता है 140/90 तो उसको कहते हैं हम हाइपरटेंशन। इसकी क्लासिफिकेशन दो हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है उसको हम कहते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन या इडियोपैथिक हाइपरटेंशन। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन तो इसमें जो 90% केसेस होते हैं वो प्राइमरी हाइपरटेंशन से बिलोंग करते हैं। अगर हम इसके रिस्क फैक्टर की बात करें वो काफी सारे हैं। सबसे पहले जैसे एज, अगर हमारी एज बढ़ रही है तो बीपी भी हमेशा इंक्रीज होता है, मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखा जाता है। लेकिन अगर हमारा दूसरा देख लेते हैं सेक्स, तीसरा अगर फैमिली हिस्ट्री, स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म और साथ में अगर हम देख लेते हैं ओबेसिटी और लैक ऑफ एक्सरसाइज, इंक्रीज फैटी एसिड्स, ये और अनहेल्दी डाइट, ये काफी सारे रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से प्राइमरी हाइपरटेंशन हो जाता है। अगर हम बात करें सेकेंडरी हाइपरटेंशन की जो बचे हुए 10 सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो बचे हुए 10% केसेस हैं वो आते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन में। इसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स के कारण सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी बॉडी में, उनके अकॉर्डिंग होता है। अगर हम बात करें सबसे पहले आ जाती है हमारे रिस्क फैक्टर, अगर देखें, अगर हम पहले देखें तो पहली कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स। ठीक है, सबसे पहले अगर हम कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स देखें तो इसमें आएगा एंजाइना पेक्टोरिस, दूसरा MI हार्ट फेलियर। ठीक है, ये काफी सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें आते हैं। अगर हम और बात करें तो इसमें आ जाएगा
कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसे हम कहते हैं सीएडी। ठीक है, ये काफी सारे फैक्टर्स हैं जो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स में आते हैं। अगर हम बात करें रीनल प्रॉब्लम्स की, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, काफी सारे मतलब जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है उसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके अकॉर्डिंग ये हो जाता है। अगर हम देखते हैं रीनल ठीक है रीनल प्रॉब्लम्स क्या होंगी, जो हमारे किडनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो हमारे रीनल प्रॉब्लम्स में आएंगी। ठीक है, पहली अगर हम बात करें, अगर हमारी नैरोइंग रीनल आर्टरी, अगर हमारी जो आर्टरी है उसकी नैरोइंग हो जाती है तो उसके कारण भी हमारा हाइपरटेंशन हो सकता है, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। ठीक है, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस होगा तब भी हमारी रीनल आर्टरी होती है, या किडनी डिफेक्ट होता है कोई भी, एक्यूट किडनी डिफेक्ट या क्रोनिक किडनी डिफेक्ट ये होती हैं, उसके कारण भी हमारा हाइपरटेंशन जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है वो हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं एंडोक्राइन कोज की, जो हमारा थर्ड है वो है एंडोक्राइन कोज। ठीक है, एंडोक्राइन कोज में सबसे पहले आता है हमारा कुशन सिंड्रोम, दूसरे पे आता है हमारा SIADH सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटीडायरेटिक हार्मोन। इसमें क्या होगा, ADH जो है उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम बात करें तीसरा कोज आता है हमारे इसमें डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, डायबिटीज मेलिटस ये हमारे तीन कोज होते हैं। अगर हम बात करें फोर्थ टाइप की तो वो होते हैं अदर टाइप ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, जो अदर टाइप ऑफ हाइपरटेंशन होता है उसमें सबसे पहले आते हैं प्री हाइपरटेंशन। जो प्री हाइपरटेंशन है उसमें जो हमारा बीपी लेवल रहेगा वो रहेगा 122/139/82/89 mmHg। ठीक है, अगर हम बात करें जो सेकंड है वो आएगा स्टेज वन हाइपरटेंशन। अगर हम बात करें प्री हाइपरटेंशन की तो इसमें क्या होगा, अगर हम इसको अनट्रीटेड छोड़ देते हैं तो ये हाइपरटेंशन की कंडीशन में, कंप्लीट हाइपरटेंशन की कंडीशन में चला जाता है। और जो हमारा स्टेज वन हाइपरटेंशन है, अगर उसमें बीपी का लेवल चेक करें तो वो होगा 140/159/90-99 mmHg। ठीक है, ये इसका लेवल रहने वाला है। अगर हम स्टेज टू की बात करें, जो थर्ड नंबर पे आता है, स्टेज टू हाइपरटेंशन है उसमें होगा 160/100-above। अगर हमारा ये लेवल रहता है तो उसको हम कहेंगे स्टेज टू हाइपरटेंशन। अगर हम इसमें फोर्थ स्टेज की बात करें तो वो होता है बिनाइन हाइपरटेंशन। जो बिनाइन हाइपरटेंशन है उसमें अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो वो रहता है हमारा 200/250/100-150 mmHg। ठीक है, अगर हम फिफ्थ की बात करें तो ये हमारे पास आ जाता है मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन। जो मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन है अगर हम बीपी की बात करें तो वो रहता है 250 and above, और नीचे रहेगा डायस्टोलिक 150 and above। ठीक है, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। ठीक है, अगर हम इसके ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है सोडियम नाइट्रो फोसाइड।
ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन या मेडिकल इमरजेंसी वो होती है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। अगर हम इसमें फिफ्थ टाइप की बात करें, जो फिफ्थ टाइप की बात करते हैं तो उसमें आती है हमारी हाइपरटेंसिव क्राइसिस। क्या आएगी? हाइपरटेंसिव क्राइसिस। फिफ्थ टाइप किसके बाद आई है? अदर टाइप ऑफ हाइपरटेंशन था, उसके बाद आती है हमारी हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस में क्या होगा, अगर हम जो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है उसको अनट्रीटेड रह छोड़ देते हैं, जब भी हम इसको अनट्रीटेड छोड़ देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगी हाइपरटेंसिव क्राइसिस में। ये क्यों होता है? इसके लिए जो हमारा वाइटल्स के पास जो हमारी ब्लड सप्लाई है वो इंप्रूव हो जाएगी। ये वैसो कंस्ट्रिक्शन के थ्रू भी हो सकता है, पेरिफेरल वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, इसके कारण भी हाइपरटेंसिव क्राइसिस की कंडीशन आ सकती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होंगे? इसमें सबसे पहले होगी बीपी इंक्रीज हो जाएगा, ऑसिपिटल हेडेक होगा, वोमिटिंग होगी, एनोरेक्सिया हो जाएगा, ठीक है, और क्या होगा, ब्लड विजन होगा, डिजीनेस होगी। ये काफी सारे जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं ये आती हैं। अगर हम इसके बाद हम बात करें मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट में क्या होता है, हम रिस्क फैक्टर्स को है ना अवॉइड करेंगे। जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक मॉडिफाइबल एक नॉन मॉडिफाइबल। जो मॉडिफाइबल है वो है एल्कोहलिज्म, जैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे हम एल्कोहलिज्म को, साथ में स्मोकिंग वगैरह को हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, जो हाई फैटी डाइट है उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। मतलब ये ऐसे ऐसे जो हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं वो होते हैं मॉडिफाइबल। जो नॉन मॉडिफाइबल होते हैं जैसे एज हो गया, सेक्स हो गया, रेस होगी, इन चीजों को हम नहीं बदल सकते, इसलिए इन चीजों को हम अवॉइड करेंगे रिस्क फैक्टर्स में। लेकिन अगर हम बात करें मैनेजमेंट की तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें क्या करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, लो सोडियम डाइट लेनी चाहिए, लो फैटी डाइट लेनी चाहिए पेशेंट को, ठीक है। इसके बाद एल्कोहल और स्मोकिंग को हमें रिस्ट्रिक्ट करना है, उसके बाद हाई कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट डाइट को हमने लेना है, और साथ में हम हाई प्रोटीन डाइट को भी लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम जो हमारा हाइपरटेंशन है उसकी कंडीशन को अवॉइड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है उसमें हमें पढ़ना है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है उनको अच्छे तरीके से पढ़ें हम, ए बी सी डी, मतलब एक छोटा सा एक फॉर्मूला सा है ए बी सी डी के, उसमें फॉर्म में हम पढ़ सकते हैं ए फॉर ए सी इनहिबिटर, बी फॉर बीटा ब्लॉकर, सी फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डी फॉर डायबिटिक्स, ठीक है। इन चीजों को हम अच्छे तरीके से हासिल कर सकते हैं, ए फॉर एप्रिल, ठीक है, जिनके पीछे प्रिल लगता है वो सारी मेडिसिन आएंगी एसी इनहिबिटर्स में, ठीक है, जैसे एनालाप्रिल, कैप्टोप्रिल, ठीक है, ये जो आएंगी ड्रग्स ये आती हैं एसी इनहिबिटर्स में। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है किसमें, प्रेगनेंसी, ठीक है, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी में। अगर हम बात करें बीटा ब्लॉकर्स की, इसमें आती हैं बिलोल, ठीक है, इनके जिसके पीछे बिलोल लगता है वो सारी आती हैं बीटा ब्लॉकर्स में, ये जैसे होगी टीमोलोल और एटिनोलोल, ठीक है, ये आती हैं सारी बीटा ब्लॉकर्स में। एक बात का यहां पे भी ध्यान रखना है, इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं अस्थमा के पेशेंट में, ठीक है। और अब हम बात करते हैं हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में, सी फोर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में जिसके पीछे कैडिपिन लगता है, ठीक है, इसमें जैसे आएगा हमारा रेंटिडीन, ऐसी ड्रग्स जो आती है हमारी वो सारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में आ जाएंगी। अगर हम बात करें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की तो ये
जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी में ऐसे इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स प्रेगनेंसी अस्थमा के पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, लेकिन अगर दोनों हैं तो उसमें हम रेंटिडिन जैसे होगी हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वो हम दे सकते हैं, अगर दोनों को हम अवॉइड करें तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का यूज करेंगे। अगर हम बात करें डायरेटिक्स की, डायरेटिक्स में काफी सारी आती हैं जैसे लूप डायरेटिक्स, थायराइड डायरेटिक्स वगैरह, ये सब डायरेटिक्स में आएंगे। लेकिन जो डायरेटिक्स का काम क्या है, ये क्या है, इसमें यूरिनेशन को इंक्रीज कर देगा जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में जो फ्लूड वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से ये डायरेटिक्स का काम ये होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ 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 अपने घर से बाहर मत निकलिए, कोरोना से बचिए रहिए, ठीक है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो ये देश स्वस्थ रहेगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।